night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं के प्रशांत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मोदी नगर के साउथ से लेकर और मोदी नगर नॉर्थ के बीच में जो बायोडक्ट कितना क्लियर हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है, वो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। और नहीं देखा आप लोगों ने अभी तक तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लेना दोस्तों। तो आज मैं चलने वाला हूँ मोदी नगर नॉर्थ से लेकर और मेरठ साउथ का स्टेशन दिखाने वाले हैं कि वहाँ पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो गया है, क्या क्या वर्क चल रहा है, कितना बायोडक्ट वहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के पी संत के चैनल पर देखते रहो, के पी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आगे लॉन्चर लगा हुआ है जो कि मेरठ साउथ की तरफ इसका मुंह है। तो आप लोगों देखेंगे तो ये जो बायोडक्ट है ये करीब 2.5 किलोमीटर तक का ये बायोडक्ट जोड़ दिया जा चुका है लॉन्चर द्वारा। तो इसमें दोनों साइड में ही लॉन्चर लग रहा है, एक मोदी नगर नॉर्थ की साइड में लग रहा है और दूसरी साइड में मेरठ साउथ की स्टेशन की तरफ इसका मुंह है दोस्तों। और आपको बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हो जो डिवाइडर, बीच का डिवाइडर है उसको भी बना दिया जा चुका है, मिट्टी भी डाल दी जा चुकी है, अब इसमें प्लांटेशन कर दी जाएगी कुछ ही दिनों में दोस्तों। तो आगे और आप लोगों को चलते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें पैराफिट वॉल भी लगाए जा रहे हैं साइडों में, फिर इसमें इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जाएंगे और इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे के ऊपर इसमें ओवरहेड वायरिंग लगाई जाएगी, फिर उसके बाद में ओवरहेड इक्विपमेंट लग जाने के बाद में ओवरहेड वायरिंग लगा दी जाएगी और इसमें ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे। ट्रैक स्लैब डालने के बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा, फिर इस पर जो वायरिंग का काम है वो इस पर बिछाया जाएगा। तो अभी बहुत सारा काम है क्योंकि ये जो योजना है दोस्तों RRTS दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर, ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों और ये 31,000 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है और इस पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों। और आपको बता दूं कि मेरठ में मेट्रो भी चलाई जा रही है, उसका भी तो वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेशनल देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है पर डे और आप लोगों को दिखाता रहता है दोस्तों। तो ना देर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और केपी संत के चैनल पर वीडियोस देखते रहो, हर जगह के पर डे वीडियोस लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आगे जाकर बायोडक्ट ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से फिर दूसरा लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो EDFC बनाई जा रही है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसका भी ब्रिज आप लोगों को दिखाएंगे। और वो लाइन आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होती है और जाएगी लुधियाना तक। तो आपको बता दूं सिंगल लाइन ट्रैक, वो सिंगल ट्रैक है और इस पर डबल डेकर मालगाड़ी चलाई जाएगी दोस्तों। तो वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ उसके बारे में बताऊँगा अभी और आप लोगों को दिखाऊँगा अभी। तो आगे आप लोगों को ये ख़त्म होता हुआ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ये बायोडक्ट। तो आप लोग एंजॉय करो।
आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक ये बायोडायरेक्ट जोड़ दिया जा चुका है और लॉन्चर ये लगा हुआ है और ये मेरठ साउथ की तरफ इसका मुंह है लॉन्चर का। तो देख सकते हो सारे पिलर इधर के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल तरीके से। तो ये लॉन्चर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ चल रहा है मेरठ साउथ की स्टेशन की साइड में दोस्तों, और दूसरा लॉन्चर ये यहाँ पर लगाया गया है, इसने भी ये चार पिलर कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये लॉन्चर लगाया गया था और यहाँ से इसने चार पिलर कनेक्ट कर दिए हैं, देख सकते हो कितने पिलर कर दिए, दो चार और छः पिलर कनेक्ट कर चुका है ये दूसरा लॉन्चर दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हैं। और ये आ जाती है ईस्टर्न पेरिफेरल फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया गया, इसका भी ब्रिज बन के कम्प्लीट हो चुका है, इस पर इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं दोस्तों इस, और ये हमारे दादरी के उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, जो उत्तर प्रदेश का दादरी है वहाँ से स्टार्ट होगी और ये जाएगा लुधियाना के लुधियाना में दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर, आपको बता दूँ के जो डिपो है ट्रकों का वहाँ पर ये खाली कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइट पिलरों की इसलिए ऊंची है क्योंकि ये EDFC को क्रॉस कर रहा है, ये दिल्ली मेरठ RRTS इसको क्रॉस कर रही है ईस्टर्न पेरिफेरल को दोस्तों। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ये क्रॉस कर रहा है RRTS दोस्तों, इस वजह से इसके पिलर ज़्यादा ऊंचाई पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से ये मेरठ साउथ का स्टेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों को डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ये रैपिड रेल खड़ी हो सके। तो देख सकते हो ये अब बायोडक्ट, आपको बता दूँ इसके ऊपर ये एक दूसरे से पिलर जोड़ने के बाद में फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, देख सकते हो सब में गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है। अब इस पर कहीं कहीं फ्लोरिंग का काम हो चुका है, स्टार्टिंग में फ्लोरिंग का भी काम स्टार्ट हो गया है, इधर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो अभी यहाँ फिनिशिंग का काम चल रहा है, एक पिलर से दूसरे पिलर को ये रखा जा रहा है, तो यहाँ से ये अब ये जुड़ जाएगा और फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देखो दोस्तों ये यहाँ से ये मेरठ साउथ का स्टेशन स्टार्ट हो चुका था, पहले ही मैंने बता दिया एक पिलर से दूसरे पिलर को ये इसमें बीम डाला जाता है, बीम रख के फिर ये एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ देते हैं। तो इस पर कॉन्कोर्स लेवल का जो काम था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है, फिर उसके बाद में इस पर थर्ड फ्लोर पे इस पर स्टेशन का भार होने वाला है, तो वही बनाया जा रहा है देख सकते हो। ये आप सेकेंड फ्लोर के भी देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, उस पर भी फ्लोरिंग किया जा रहा है दोस्तों, और फिर इस पर प्लेटफॉर्म का लेवल आ जाएगा तो उस पर भी अभी इस पर टीन सेट डाला जाएगा, टीन सेट का इस पर वो किया जाएगा, फिर इस पर सनरूफ बनाया जाएगा। तो अभी यही काम चल रहा है ये मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों। तो यहाँ से आपको बता दूँ कि यहाँ पर स्टेशन ये इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ से वाहन आप लोग उतरें और सीधे आप लोग जा सकते हो कहाँ पर, हरिद्वार के लिए यहाँ से उतर के, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे जो कि रिसेंटली में ही बना है। तो देख सकते हो ये बीम डाले जा रहे हैं दोनों पिलरों के बीच में, और बीम डाल के फिर एक दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है, तो अभी यही वर्क चल रहा है इस मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों। तो देख सकते हो ये बाकी कुछ पिलर बचे हुए हैं, कुछ ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, तो इन पर भी अभी गाटर लॉन्चिंग की जानी है दोस्तों। आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर भी ये RRTS के गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, तो वो आप लोग अपनी आँखों से देखना, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर, KP संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप लोग देखो दोस्तों, देख सकते हो तस्वीरें, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे,
ये वाला डेली मेरठ एक्सप्रेसवे है और इसको क्रॉस कर रहा है डेली मेरठ RRTS कॉरिडोर, देख सकते हो वो वहाँ पर ये स्टील के गाटर रख दिए गए हैं, इस फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है ये RRTS। तस्वीर आप लोग देख सकते हो और मैं आप लोगों को उधर से भी अभी दिखाने की कोशिश करूँगा, तस्वीरें देख सकते हो। तो अभी रिसेंटली में ये डेली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है और उसके बाद में अब ये डेली मेरठ RRTS बनाई जा रही है दोस्तों, जो कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों आने वाले टाइम में। तो आपको बता दूं कि जो इसका प्रायोरिटी सेक्शन है वो 17 किलोमीटर का पार्ट है और वहाँ पर आपको बता दूं कि गाज़ियाबाद के साहिबाबाद से लेकर और दुहाई तक चलाई जानी है, वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगी चलना। तो आप लोग देख सकते हो और ये जो RRTS पूरी जो मेरठ तक जाएगी वो जाएगी आपका जब दिल्ली के सरायखाले खान से स्टार्ट होगी और ये मेरठ तक जाएगी, तो ये बनके कंप्लीट होगा सन 2025 में, इस पर पूरी तरीके से आम पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और सीधे अगर हम इस रूट पर जाते हैं तो चले जाएंगे हम सीधे मेरठ शहर के लिए और हरिद्वार इधर की साइड में चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं दूसरी साइड में, उधर का भी आपको दिखाते हैं कि उधर क्या क्या वर्क चल रहा है। तो ये देख सकते हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो अभी बनाया गया रिसेंटली में, और उसके ऊपर ये RRTS के क्रॉस करेगी इसको दिल्ली मेरठ को। तो दोनों रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्टिविटी फास्ट देने के लिए यहाँ पर ये वर्क चल रहा। तो देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, ये भी पिलर बन चुका है, ये वाला पिलर बचा है। तो इस पर देखो सेटिंग लगा कर और इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों, तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे दोनों साइड के। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो क्योंकि यहाँ किसानों की आवाजाही के लिए भी कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी और लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा। तो इस वजह से इसको इतनी परियोजना के साथ में इसको बनाया गया है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ये है देखो ये पिलर भरे जा रहे हैं, सेटिंग लगी हुई है इसमें और इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा। तो ये है मेरठ साउथ का स्टेशन दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। इसमें बीच में देखो वो बीम डाल दिया और बीम डालने के बाद में फिर इनमें दोनों साइड के जो पिलर हैं उन पर सरियों का जाल बनाया जा रहा, फिर इसमें कॉन्क्रीट भरा जाएगा, ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर मेरठ साउथ के स्टेशन पर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो दोस्तों ये लगा हुआ लॉन्चर पिछली बार वहाँ से लगा था लॉन्चर, ये स्टार्ट हुआ था जब मैंने पिछली बार में दिखाया था, और ये जा रहा है मेरठ साउथ की तरफ जो कि इधर पड़ेगा मेरठ साउथ। और ये है EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है। और देखो जो इसके सेगमेंट हैं वो कितना बड़ा सेगमेंट होता है वो आप अपनी आँखों से देख लो। देखो ये है सेगमेंट और वहाँ से ये ट्रकों द्वारा लाए जाते हैं। देखो तीन सेगमेंट ये रखे हैं, दो वो रखे हैं, देख सकते हो। और ये यहाँ से लटकाए जाते हैं, फिर ऊपर ये लॉन्चर खींच लेता है ऊपर की साइड में, ये क्रेन मशीन द्वारा रखे जाते हैं और उधर भी रखे हैं। तो उधर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये ईस्टर्न पेरिफेरल है जो कि ये रेवाड़ी तक जाती है और इस पर अब गाड़ियाँ दौड़नी स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों कुछ ही दिनों में। देखो और बाकी सेगमेंट ये रखे हुए हैं, यही लॉन्चर जोड़ता है इन सेगमेंटों को और आगे पड़ेगा मेरठ साउथ का स्टेशन आगे की साइड में। और जब ये EDFC बन रही थी, जब ये ब्रिज बनाया था, तब मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले थे आप लोगों के बीच में। तो आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से एक तो हमारे भारत की सबसे बड़ी EDFC ये बनाई जा रही है और दूसरी ये RRTS पहली बार चलाई जा रही है दोस्तों। तो ये डबल डेकल मालगाड़ी के लिए है जो रेवाड़ी से लेके और दादरी पोर्ट डिपो में जाएगी दोस्तों, जो दादरी का डिपो है कंटेनर डिपो वहाँ पर ये खाली हो जाया करेगी। तो इसी वजह से ये सिंगल लाइन यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। और देख सकते हो इससे RRTS ये क्रॉस करेगी EDFC को दोस्तों।
देख सकते हो नीचे से ये मालगाड़ी निकलेगी डबल डेकर, ऊपर से ये रैपिड रेल चलेगी जो हमारे हिंदुस्तान में पहली बार चलाई जा रही है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।